उधर जगदलपुर के सिरासार भवन में दशहरा पर्व की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गढ़ाई की अदायगी की गई। रियासत काल से चली आ रही इस रस्म में परंपरा अनुसार डेरी गढ़ाई के लिए वरंगीपाल गांव से सराई पेड़ की टहनियां लाई जाती हैं। टहनियों को पूजा कर पवित्र करने के बाद लकड़ियों को गाड़ने के लिए बनाए गए गड्ढों में अंडा और जिंदा मछलियां डाली जाती है, जिसके बाद टहनियों को गाड़कर इस रस्म को पूरा किया जाता है। उसके बाद माँ दंतेश्वरी से दशहरा रथ के निर्माण की इजाजत ली जाती है। इस रस्म के बाद से ही बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का काम शुरू होता है। करीब 400 वर्ष पुरानी इस परंपरा का निर्वाह आज भी किया जा रहा है। इस पूजा में सांसद दीपक बेज भी शामिल हुए। निश्चित रूप से आज इस डेरी गढ़ाई रस्म के साथ माँ दंतेश्वरी का पूजा अर्चना करने के पश्चात आज ये दूसरा रस्म सम्पन्न हुआ। निश्चित रूप से इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों के लिए भी और जिला प्रशासन के लिए शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि समय की भीड़ भाड़ से हट के हम दशहरा कैसे संपन्न करें, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। और आज डेरी गढ़ाई रस्म का मैं बस्तर वासियों को बस्तर सांसद होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।